हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास पहुँचे। तो देखिए, सुबह का मेरा क्लीन वगैरह हो गया था और मैं नहा लेती हूँ। मेरा रोज़ डेली का रूटीन है। और नाश्ता बना ली थी मैंने। नाश्ते में मैं पूरी सीम की सब्ज़ी और पराठा बनाई थी। बच्चे सब स्कूल चले गए हैं और मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए खाना बना रही थी। मैं लौकी को बड़ा बड़ा पीस में कट कर ली हूँ। और यहाँ पे लहसुन अदरक और थोड़ा सा प्याज और फ़ोरन में तेज़पात और मिर्च और इलायची और जीरा, थोड़ा सा दालचीनी। मैं भुजौआ सब्ज़ी बनाऊँगी। और इसमें मेरा चावल हो रहा था, इसमें मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं कच्चा तेल डालकर और भुज कर ही बनाऊँगी। फ़ोरन डालने के बाद मैंने यहाँ पे लौकी को डाल दी थी और नमक डालकर ढक दी थी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर भून लेती हूँ। भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालकर सीटी लगा दूँ। फिर मैं थोड़ा सा लौकी का सब्ज़ी बनाई थी उसी में से बचा ली थी। मैं यहाँ पर बचका बना रही हूँ। देखिए मेरा खाना लग गया है। सब्जी चावल और चनौरी और बचका था, अचार था। बच्चे सब आ गए हैं, मैं खाना दे देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद सुमन यहाँ पे बोल रही थी दो छोटी बाल बांधने के लिए, तो वही मैं उसको बांध रही थी। देखिए मैंने उसको एक तरफ कर दी है और दूसरी तरफ कर रही हूँ। और हस्बैंड का कपड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, मैं सुबह धुल कर डाली थी। मैं आप लोग से बोला था कि मैं गर्मी के दिन में रूम में ही कपड़ा डाल देती हूँ, छत पर नहीं जाती हूँ, पंखा के हवा से सूख जाता है। उसके बाद देखिए बाबू यहाँ स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहा था, वो टेबल बना रहा था। चोटी करने के बाद मैं यहाँ पे सुमन को नेल काट रही थी। मैं संडे को ही काटती हूँ, तो उस दिन मैं नहीं काटी थी, तो फिर सोची कि आज काट देती। सुमन के काटने के बाद मैं बाबू का भी नेल काट देती हूँ। ये तो और मट्टी मट्टी करता है, इसको नाखून में चला जाता है। फिर मैं यहाँ पे बाबू को बाल झाड़ रही थी, बाल में तेल लगाकर। उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था। देखिए यहाँ बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, यहीं पे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बच्चे ट्यूशन से चले आए थे, बच्चे भी दुकान से चले आए थे। खाना पीना सबका हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर शाम में मैं सोकर उठी तो देखी कि किसी के यहाँ से मटकोर का कलश भरा कर आ रहा था। अभी ज़ोरों शोरों से शादी का सीजन चल रहा है, इस समय शादी का ही दिन है। बर्तन धुलने के बाद मैं बच्चों को थोड़ा पैर में मालिश की और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो मैं उठी हूँ तो फ्रेश हुई हूँ, हाथ मुँह धुली हूँ। और देखिए मैं क्या खरीदी हूँ, मैं इडली जा रही हूँ खाने। आइए आप सब भी खा लीजिए। देखिए यहाँ सुमन भी खा रही थी इडली और यहाँ दोस्त लोग को बुलाई है खेलने के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।